जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओपूस फूटस्टेप्स। पूरी ट्रिप के मेरे पिछले दो वीडियो में मैंने शेयर किया था वंदे भारत एक्सप्रेस में हावड़ा से पूरी आने का और पूरी शहर को एक्सप्लोर करने का फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस। अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। आज के ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी जगन्नाथ टेम्पल में जगन्नाथ देव का दर्शन, पंचमुखी हनुमान मंदिर में हनुमान जी का दर्शन और कोणार्क सन टेम्पल में घूमने का एक्सपीरियंस। तो चलिए लेट्स बिगिन। सुबह 4 बजे हम आ गए थे पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ देव के दर्शन के लिए। कृष्ण भगवान, जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वां अवतार है, उनको यहाँ पे जगन्नाथ देव के रूप में पूजा जाता है। जगन्नाथ टेम्पल के 4 गेट है चारों दिशाओं में। ये मेन गेट है जो कि ईस्ट साइड में है, इसको सिंह द्वार बोलते हैं और द लायन गेट। सिंह द्वार के ठीक सामने एक पिलर दिखेगा आपको, ये है अरुणा स्तंभ जो कि एक 10 मीटर का पिलर है और पिलर के सबसे ऊपर अरुणा जो कि सूर्य देव के सारथी थे उनका मूर्ति किया हुआ है। मंदिर के ऊपर जो फ्लैग है ये हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है और 1800 साल पुराना ट्रेडिशन है, हर दिन एक पुजारी कोई सपोर्ट के बिना मंदिर के शिखर पे चढ़ के ये फ्लैग को बदलते हैं। गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं पुरी के आसपास फेमस प्लेसेस वहाँ घूमने के लिए। हम स्टार्ट करेंगे कोणार्क सन टेम्पल के साथ। पुरी से कोणार्क जाने के लिए 1 से 1.25 घंटा लगता है। पुरी में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टूर्स एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं जो कि डे ट्रिप प्लान करते हैं पुरी के आसपास के जगह घुमाने के लिए। तो ऐसे एक ट्रैवल ऑपरेटर से हमने एक दिन के लिए गाड़ी बुक की थी, 10 घंटे के लिए उन्होंने 2,700 रुपीज चार्ज किया है। तो मैं ट्रैवल एजेंट का नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कोणार्क जाने के रास्ते में हमारा पहला हॉल्ट था पंचमुखी हनुमान मंदिर में। ये हनुमान मंदिर पूरे उड़ीसा में केवल एक ही पंचमुखी हनुमान मंदिर है। तो ये है पंचमुख हनुमान जी के मंदिर। मैंने अभी पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बोला ये उड़ीसा में सिर्फ एक ही पंचमुख हनुमान जी के मंदिर है। जब श्री राम जी लंका जा रहे थे सीता माता को बचाने, उस टाइम हनुमान जी ने पंचमुख धारण किया था, इसीलिए ये पंचमुख हनुमान जी के मंदिर है। तो हम कोणार्क जाने के रास्ते में अभी नाश्ते के लिए रुके हैं न्यू साहू होटल में। तो हमारा नाश्ता है पूरी सब्जी, बहुत ही टेस्टी है। पूरी बहुत सॉफ्ट है और ये बिल्कुल पूरे मैदे का ही पूरी है और चना और आलू इसकी सब्जी। सब्जी भी बहुत टेस्टी है और मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि यहाँ पे उड़ीसा में सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल तीखा नहीं है खाना। कोई भी खाना, नाश्ता हो या लंच हो या डिनर हो, मीठे के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है। इसलिए हमने जलेबी ऑर्डर किया है। टेस्ट काफी अच्छा है, जलेबी मेरा फेवरेट है एक्चुअली, और साथ में चाय। जलेबी खाने के बाद चाय की मिठास कम लग रही है, अदरक वाली चाय है तो ठंडी में अदरक वाली चाय अच्छा लगता है। सन टेम्पल के एंट्रेंस पे ही टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। टिकट का कॉस्ट है ₹40 फॉर इंडियन सिटीजन एंड ₹600 फॉर फॉरेन विजिटर्स। आप चाहे तो टिकट पहले से ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, साथ में आपका आईडी प्रूफ जरूर कैरी कीजिएगा। कोणार्क टेम्पल का मेन गेट, चलिए अंदर चलते। तो हमारे साथ है नरेश जी। नरेश जी अभी हमें ये कोणार्क टेम्पल का जो हिस्ट्री है ये बताएंगे। आप लोग जो जगह देखने के लिए आए हुए हैं, इस जगह का नाम है कोणार्क। आप लोग को अभी जिस जगह पर देखने के आए हैं, ये पहला जमाने 12 एकड़ जमीन था। ये 12 एकड़ जमीन के अंदर आप लोग अभी जो समुद्र देख आए हैं, इसी के बगल में नदी है, नदी का नाम है चंद्रभागा। तो उड़ीसा का राजा लंगड़ा नरसिंह देव 1255 साल में 1200 कारीगर को लेकर 12 साल में बनाने के लिए राजा करोड़ था। जो 1200 कारीगर आए थे मंदिर बने के, जैसे हेड कारीगर नाम था विष्णु महाराणा। इनका पत्नी को घर पे छोड़ के आए थे, पत्नी के गोद में सिर्फ 2 महीने का बच्चा था, वो पैदा नहीं हुआ था। बेटा पैदा होकर
घर पे इनको 12 साल हो गया। यहाँ पे मंदिर बनने के ऑलरेडी 12 साल हो गया। 12 साल पूरे कम्प्लीट होने के लिए सुबह तक रात 2 घंटा बचा है तो राजा यह देखने के लिए। इसी के अंदर चारों मंदिर है ना, ऑलरेडी तीनों मंदिर कम्प्लीट हो गया। मेन मंदिर कम्प्लीट नहीं कर पाया 1200 कारीगर ने। राजा ने बताया 12 साल तो कम्प्लीट हो जाएंगे, 2 घंटा बचा है, पूजा की तैयारी व्यवस्था हो गया, तो मेन मंदिर हो नहीं पाएंगे सुबह तक, तो 12 साल में गर्दन कट जाएंगे। ये जो लड़का उसी टाइम जो पैदा हुआ था 12 साल लड़का का नाम तो धर्मा। धर्मा कौन है? स्वयं सनगढ़ सूर्य भगवान। वो बेटा जगह के बीच में सारी टीम का बीच में खड़े हो गया। अरे किसी का बेटा है किसको पता नहीं है, लेकिन पिताजी को पता था ये क्या है और कौन है। जो बाप और बेटा का पहचान हो गया, पिताजी सारी कहानी लड़का को दो बार सुना दिया। लड़का ने बोले 2 घंटा काफी टाइम है, लेकिन मेरे को 1 सेकंड टाइम दीजिए, हम पूरे बना देंगे। जब पिताजी का रो हो गया ना, पूरे अंगुली रखने से पूरे कंप्लीट हो गया। फिर उसी टाइम से 1200 कारीगर अपना अपने से बात है कि बेटा और बापा दोनों ही जिंदा रहेगा, लेकिन हम लोग सारी मर जाएंगे। वो लोग हमको साथ में लेके आए थे मंदिर बनाने के लिए, वो कैसे घर लौट जाएंगे, हम लोग कैसे मर जाएंगे। जो हेड कारीगर को 1200 कारीगर एक ही बात बोल दिया ना, पिताजी ने बोला हम लोग को बेटा नहीं चाहिए लेकिन 1200 भाई जिंदा चाहिए। उसी टाइम से लड़का ने कहा कि पिताजी का आशीर्वाद लेके 1200 कारीगर का आशीर्वाद लेके मेन टेम्पल का टॉप से बैठ कर सुसाइड किया नदी को, 3 किलोमीटर नदी पीछे चला गया। तब ऑलरेडी इसीलिए मंदिर पवित्र हो गया। दिस आर 3 स्टेज ऑफ लाइफ टेम्पल, जस्ट लाइक आप पहले बच्चा बजे जवान, जवान से बुढ़ापा। यहाँ पे 3 संगत, द राइजिंग सन, द चिल्ड्रेन, मिडिल सन जस्ट लाइक यंग, अदर सेटिंग सन द ओल्ड। तीनों प्रतिमा है, अभी पूजा नहीं होता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, हर दिन हर साल हर महीने में जो समुद्र के अंदर सूर्य भगवान निकलेंगे, इनका जो पहला किरण सारा विश्व पे किसी पे नहीं, इनका जो मेन गेट है ना इसी गेट में सूर्य का पहला किरण इसी गेट में गिरेंगे। तीसरा पॉइंट क्या होता है, आप लोग इसको बोलते हैं सन टेम्पल, लेकिन हम वो सन टेम्पल नहीं है, दिस इज सन चैरियट। 1 month द 15 डे द शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है सर। दिस इज द मून फोर्टनाइट 12 व्हील, अदर से द डार्क फोर्टनाइट 12 व्हील, 7 horses द 24 व्हील, जस्ट लाइक रथ का डिजाइन जो मंदिर बना हुआ है। मेरे रथ का नाम होता है दिग्विजय रथ। थैंक यू। आइए अंदर। कोणार्क, कोण मतलब ज्योमेट्रिकल एंगल, अर्क मतलब सन। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था, हियर द लैंग्वेज ऑफ स्टोन सरपासेस द लैंग्वेज ऑफ मैन। 1984 में कोणार्क सन टेंपल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। तो ये देखिए, ये जो मेन गेट है, ये जो दो मूर्तियां है, ये ऊपर है शेर, बीच में है हाथी और नीचे है इंसान। शेर इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ और प्राइड, हाथी इज द सिंबल ऑफ वेल्थ। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार प्राइड और वेल्थ दोनों ही इंसान को मार देते हैं। ये जो मंदिर का गेट है, इसके अंदर जो वो छोटे वाले जगह देख रहे हैं, यहाँ पे सूर्य पहली किरण पड़ता है। भारत के और कोई भी जगह पे सूर्य का पहली किरण नहीं पड़ता, यही जगह पे पड़ता है। ये टेम्पल का हाइट है 127 फीट और पूरे मंदिर में यही है प्रिंसिपल स्ट्रक्चर जो अभी बचा हुआ। 1255 में जब कोणार्क टेम्पल बना था, उस टाइम सीमेंट नहीं था, तो ये टेम्पल बना था आयरन, सैंड और ऑयल के पैकिंग के साथ। और इस आयरन को साथ में बांध के रखने के लिए मेन मंदिर के सबसे ऊपर में एक 53 टन मैग्नेट बिठाया गया था, लेकिन उस मैग्नेट के अट्रैक्शन में शिप्स बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो गए, इसलिए पोर्टुगीज सेलर ने उस मैग्नेट को अपने साथ ले गए, जिसके चलते मेन मंदिर और साथ में बाकी 3 मंदिर गिर गए। 1903 में लॉर्ड माउंट कर्जन ने उस चौथे मंदिर को बचाने के लिए चारों ओर से सैंड और स्टोन से पूरा अच्छे से पैकिंग कर दिया। ये जो कोणार्क टेम्पल है, ये सन गॉड का चैरियट है। ये चैरियट 7 horses चलाते हैं और चैरियट का 24 wheels है। इस साइड में देखिए, ये पहला वाला हॉर्स है आधा टूटा हुआ, ये दूसरा वाला हॉर्स है, ये तीसरा वाला हॉर्स अब बचा नहीं, सिर्फ देखिए नीचे पैर का जगह बचा है और पीछे का भी पूरा ही टूट गया है। इस साइड में 4 horses और उस साइड में 3 horses और ये है चैरियट का व्हील। साउथ साइड में 12 wheels और नॉर्थ साइड में भी 12 wheels। साउथ साइड के जो 12 wheels है, पूरे दिन उनपे सूर्य के किरण गिरते हैं। साउथ साइड के व्हील्स में चौथा व्हील सबसे वेल मेंटेन्ड है और इसके 8 spokes रिप्रेजेंट करते हैं दिन के 8 प्रहर को। ये जो आप व्हील देख रहे हैं, ये व्हील का फोटो 10 rupees के नोट पे है। और अभी G20 समिट में जो नया 10 rupees का कॉइन निकला है, उसमें भी यही व्हील का फोटो एम्ब्लेम किया हुआ है। ये सन टेम्पल रिजेम्बल्स द 3 stages ऑफ लाइफ। सबसे पहले जो बचपन, यहाँ पे अभी बचा नहीं है, ये है टॉयज जो बच्चे खेलते हैं, हाथी घोड़ा इसके साथ। ये जो देख रहे हैं बीच का, ये स्टेज है जो मिडिल एज मैन एंड वुमेन का कॉन्जुगल स्टेज इसमें दिखाते हैं। और सबसे ऊपर में गॉड एंड गॉडेसेस, वो है
है थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ जो बुढ़ापा स्टेज ऑफ लाइफ है। ये तीन स्टेज ऑफ लाइफ कोणार्क सन टेम्पल में उन लोगों ने दिखाया है। कितने ब्यूटीफुल और इंट्रिकेट स्टोन इंग्रेविंग है। यहाँ देखिए ये जो स्कल्पचर्स है ये 128 डिफरेंट डांसेस के पोजेस है। ये जो मंदिर है ये डांसिंग हॉल या नृत्यशाला था, इसलिए ये जो दीवार है इस पे स्कल्पचर किया है 128 डिफरेंट डांस पोजेस। ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सब अलग अलग डांस पोजेस। ये जगह देखिए, यहाँ पे भगवान को नहलाने के बाद तिलक करना यहाँ पे होता था। ये चैरियट में 24 व्हील्स है। साउथ गेट जो है उस साइड में 12 व्हील्स पूरे दिन सूर्य के किरण उन पे गिरते हैं, और इस साइड ये नॉर्थ साइड है, यहाँ पे जो 12 व्हील्स है उसमें पूरे दिन में कभी भी सन के रेज कभी गिरते नहीं है। ये जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बोलते हैं, तो साउथ साइड के जो 12 व्हील्स दे रिप्रेजेंट द शुक्ल पक्ष, और ये नॉर्थ साइड के जो 12 व्हील्स दे रिप्रेजेंट द कृष्ण पक्ष। ये जो दो घोड़े देख रहे हैं, उस टाइम पे मोबाइल फोन कुछ भी नहीं था, सिर्फ लेटर था जिसे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। उस टाइम पे इंडियन स्टैम्प पे यही घोड़े का इमेज था। ये बीच का जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे उस टाइम पे मंदिर का जो प्रसाद है वो प्रसाद वितरण यहाँ पे होता था। और पीछे की जगह आप देख रहे हैं, वहाँ पे जो अभी सब टूट गया है लेकिन वो किचन एरिया था, वहाँ पे जो खाना प्रसाद सब बनाना वहीं पे ही होता था। हमारा सन टेंपल कोणार्क में घूमने का सफर यहीं खत्म होता है। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिला। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया है। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज इतना ही, मिलते हैं पूरी ट्रिप के एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए। बाय।